नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपने देखा मेरे बोर्ड का साइज कितना बड़ा है, क्योंकि आज हम इस बिग साइज पर आर्ट बनाने वाले हैं। और ये आर्ट आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग और बहुत सुंदर है, क्योंकि बहुत दिन से मेरे पास एक डिमांड थी कि आप ये वाली आर्ट बनाइए। नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, वो जब आप आर्ट देखेंगे बनते हुए तो आपको समझ आ जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आज ये भी बताऊंगी कि इतने बड़े बोर्ड पर जिग-जैग का डिजाइन आप इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, आज की आर्ट हम बहुत बड़ी बनाने वाले हैं। ये 24 इंच का MDF सर्कल बोर्ड है और आज की आर्ट हम इसी पर बनाएंगे। यहाँ मैंने मिड में एक पॉइंट लगा लिया है और इसके बाद एक छोटा सा सर्कल बनाना है। और ये सर्कल बनाने के लिए मैंने इस स्केल का सहारा लिया है और ये स्केल मैंने खुद बनाई है, क्योंकि कई बार राउंड लगाने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं होता है, तो इस तरह की स्केल अगर हम बना लेते हैं तो हमारे लिए सर्कल बनाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप ये स्केल बनाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं स्पेशली आपके लिए ये वीडियो लेकर आऊंगी। और आज के डिजाइन में हम ये बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण की इमेज है, जिसे मैंने कार्बन पेपर की हेल्प से ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ होने के बाद थोड़ी इमेज हमारी कम दिख रही है, तो इसलिए मैंने पेंसिल से डार्क कर दिया और अब राधा कृष्ण की इमेज बिल्कुल क्लियर दिख रही है। आगे का डिजाइन बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने छोटे बड़े सर्कल ड्रॉ किए हैं बाउंड्री पर, जिसके अंदर मैं अलग अलग डिजाइन बनाऊंगी। और आज मैंने एक बात और बताई थी कि बहुत ही सिंपल तरीके से जिग-जैग का डिजाइन बनाने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने ट्रायंगल शेप का बिग मिरर लिया है। हमें जिस साइज में जिग-जैग बनाना है उस साइज का हम ट्रायंगल शेप का मिरर ले सकते हैं, या फिर आप किसी कार्डबोर्ड का भी काट सकते हैं। और इस तरह मिरर को रखकर मैं अपना डिजाइन बनाती गई हूँ। पहले एक साइड बना लिया, फिर दूसरी साइड से बना लिया। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर डिजाइन बन गया है। अब बनाना भी बहुत इजी है। तो हमारा यहाँ डिजाइन तो कंप्लीट हो गया है। अब सबसे पहले हम करेंगे क्ले वर्क। इतने बड़े डिजाइन के लिए फ्रेंड्स, मुझे क्ले की भी बहुत लंबी लंबी डोरी बनानी है। मैं यहाँ सारे सर्कल को डोरी लगाकर कंप्लीट करूंगी। और डोरी के ऊपर मैंने रोप का डिजाइन भी बनाया है। ये डिजाइन बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि काफी बड़ा सर्कल है तो वो एक रोप बहुत प्यारी दिख रही है। और इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमने जिग-जैग का डिजाइन बनाया था वहाँ भी किले की डोरी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और क्ले की डोरी लगाने के बाद जो हमारी जिग-जैग की डिजाइन की सुंदरता है बहुत प्यारी लग रही है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा डिजाइन दिख रहा है। फ्रेंड्स, क्ले की डोरी को किस तरीके से हमें एक जैसा लेना चाहिए, उसकी थिकनेस कैसी होनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। जो झरोका वाला वीडियो बनाया है उसके अंदर मैंने बताया है, तो प्लीज आप देख सकते हैं किले की डोरी की थिकनेस कैसे लेनी है। किले का काम हो जाने के बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने व्हाइट कलर किया है। और आज की अपनी डिजाइन राधा कृष्ण को बनाने के लिए मैंने ब्लैक कॉर्न का यूज किया है। ये थिक ब्लैक कॉर्न है। फ्रेंड्स, कॉर्न कैसे बनानी है इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, जिसकी लिंक ऊपर दी गई है। जो भी कलर की आपको कॉर्न बनानी है, बस उस पेस्ट के अंदर अपना कलर मिला लीजिए और कॉर्न तैयार है। यहाँ मैंने ब्लैक कलर की कॉर्न बनाई है और ये एक थिक कॉर्न है। और जब तक हमारी आउटलाइनिंग ड्राई हो रही है तब तक हम कलर कर लेते हैं। यहाँ मैंने स्काई ब्लू कलर किया है। कलर तो मैं हमेशा बताती हूँ, अपनी पसंद से करिए। और जब तक हमारा कलर और कॉर्न बग दोनों ड्राई हो रहा है तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। इसके बाद मैंने लगाए हैं मिरर। तो फर्स्ट राउंड में मैंने लगाए हैं हार्ट शेप के मिरर।
और जो जिगजैग की लाइन आ रही है उसके अंदर लगाए हैं राउंड शेप की मिरर। और जब तक हमारा कलर और कॉर्नबर्ग ड्राई हो रहा था तब तक हमने अपना ये काम कर लिया। इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो हमारी आर्ट बहुत जल्दी तैयार होती है। और ये हमारे कलर और कॉर्नबर्ग दोनों ड्राई हो गए हैं। चलिए अब ब्लैक लिक्विड कॉर्न से मैंने सबसे पहले कृष्ण को फिल किया है। फिलिंग वर्क करते समय ध्यान रखना है कि पेस्ट को मिलाते हुए हमें कॉर्न चलानी है। थोड़ा डिजाइन बड़ा है तो फिलिंग वर्क बहुत सावधानी से करना है, बीच में लाइनिंग नहीं आनी चाहिए। और ये फिलिंग वर्क फ्रेंड्स एक बार हो जाने के बाद में एक बार और कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा एम्बोज होगा उतनी ही ज्यादा हमारी पेंटिंग अच्छी लगेगी। और जब तक हमारा फिलिंग वर्क ड्राई हो रहा है हम आगे का काम कर लेते हैं। और जो सबसे लास्ट में बाउंड्री पे मैंने राउंड बनाया है वहाँ मैंने राउंड शेप के ही मिरर लगाए हैं। और अब बीच में मैंने एक बिग राउंड बनाया है, उसके अंदर मैंने लीफ बनाई है। और फ्रेंड्स ये लीफ का डिजाइन बहुत डिफरेंट है, क्योंकि दो लीफ को जोड़ने के लिए मैंने बीच में स्टेम भी बनाई है और इसके अंदर कौन से मैंने छोटे छोटे गोल गोल पॉइंट्स रखे हैं और ये लीफ की डिजाइन को बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। फ्रेंड्स आज की आर्ट में मेरा कौन सा वर्क आपको सबसे अच्छा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फीलिंग वर्क ड्राई हो गया है फ्रेंड्स। इसके बाद में जैसे हमने फर्स्ट कॉर्नबर्ग लाइन की थी वैसे ही मैंने एक बार और की, और उसके बाद में मैंने एक बार फीलिंग वर्क और किया था। वो मैं आपको नहीं दिखा पाई लेकिन बता रही हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा एम्बोज होगा उतना ही अच्छा लगेगा। और इसके बाद राधा कृष्ण के चारों तरफ मैंने छोटे छोटे फूल पत्ती बनाए हैं जो हर कलर के हैं। फ्रेंड्स इतनी बड़ी आर्ट बनाने में मुझे 6 से 7 दिन लग जाते हैं, पर हमारे एडिटर इतनी खूबसूरती से हर पार्ट को दिखाते हैं है कितनी इजी है। और कोशिश रहती है कि अच्छे से हर पार्ट को आपको दिखाएं और आपको समझ भी आए। और इसीलिए मैं कहती हूं कि वीडियो को विदाउट स्किप देखिए। अगर आपको लगता है कि वाकई में बहुत ही अच्छा दिखाते हैं तो एक बार उनके लिए भी कमेंट कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसा कि आज की इमेज है कि राधा जी कृष्ण के ऊपर फूल गिरा रही है, इसीलिए मैंने ये चारों तरफ फूलों की बरसात की है जो बहुत सुंदर लग रही है। और गोल्डन कॉर्न से राधा कृष्ण के ऊपर भी मैंने डिजाइन बना लिया है। ये डिजाइन आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह का दे सकते हैं। और जो हमने किले की बाउंड्री बनाई है उनके ऊपर भी मैंने गोल्डन कलर किया है। पूरी आर्ट कंप्लीट हो जाने के बाद फ्रेंड्स जो लुक दिख रहा है बहुत ही सुंदर है, लेकिन अभी भी मुझे कुछ खाली दिख रहा है, यानी कि जो हमने लीफ बनाई है वो बहुत क्लियर नहीं दिख रही है। तो इसके लिए मैंने इनके ऊपर ग्रीन कलर किया है लास्ट में, और साथ ही जो फ्लावर बनाए हैं उनके ऊपर भी मैंने गोल्डन कलर की डॉट्स रखी है। ग्रीन कलर करने के बाद लीफ के अंदर जो लाइनिंग है उनके ऊपर भी मैंने गोल्डन कलर कर दिया है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारी जो लीफ है प्रॉपर दिख रही है और बहुत सुंदर लग रही है। और स्टेम के अंदर जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे उनके ऊपर भी गोल्डन कलर किया है। इसके साथ ही हमारी आज की आर्ट कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स बताइए मुझे कैसा लगा आज का वीडियो, और आज की आर्ट कंप्लीट हो जाने के बाद लुक देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो देखा फ्रेंड्स कितनी सुंदर बनी है। साथ ही मैंने इसको थोड़ा कवर कर लिया है जिलेटिन से, क्योंकि मॉइस्चर बहुत है इस टाइम, बारिश का टाइम है, तो हमें अपनी आर्ट को थोड़ा सिक्योर करके रखना पड़ता है। और इसी तरीके से आप भी अपनी आर्ट को थोड़ा सा सिक्योर करके रखिए, क्योंकि जो धूला मिट्टी जम जाती है उससे नमी के चक्कर में हमारी जो आर्ट है वो थोड़ी गंदी हो जाती है। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज की वीडियो में आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ। बाय बाय।